गैस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बहुत सारी मशीन्स एक साथ मैनेज कर सकते हो और मैं किस तरह से अपनी बहुत सारी मशीनों को एक साथ मैनेज करता हूँ। ये उन चीज़ों में से एक होने वाली है जो कि शायद आपको हर कोई नहीं बताएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी एक जगह पर इतनी सारी चीज़ें। आपको स्ट्रगल करके आप सीख जाएं तो वो बात अलग है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक जगह पर आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट मशीन नाम से मशीन तो बना ली और इसकी आई बी भी मुझे मिल गई और उसके बाद यहाँ पर ये दो मशीनें मेरी बनी हुई थी, पहले से ही मैंने बना रखी हैं। अब बहुत सारी मशीनें मेरी यहाँ पर हैरिस प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी हैं। आप यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और अपनी मशीनों को ग्रुप कर सकते हो। जैसे मान लो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो लेट से हॉटस्टार कंपनी के लिए, तो आप हॉटस्टार के नाम से एक फोल्डर बना दो। प्रोजेक्ट बोलते हैं फोल्डर को, तो एक तरह से फोल्डर ही है जिनके अंदर मशीन है आपकी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बना लो आप नया, उसके अंदर मूव कर लो। जैसे मैं ट्यूटोरियल जो बना रहा हूँ उसमें मैं कोड विद हैरी के नाम से मैंने बना रखा है। फिर उसके बाद मैं एक और फोल्डर बना सकता हूँ, मैं मतलब काफ़ी इसको मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन काम की बात अभी यहाँ पर यह है कि आप लोगों को कई बार मशीन में लॉगिन कर करके देखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग SSH कर सकते हो इस तरह से, और SSH कर करके आप लोग जो है इसके अंदर बार बार पासवर्ड डालते रहोगे और परेशान होते रहोगे और बार बार आपका मशीन खोलने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि इतना बड़ा पासवर्ड होता है। एक तो ये लोग सिंपल पासवर्ड चूज़ करने नहीं देते और अच्छे से ही नहीं करने देते, क्योंकि अगर करने देंगे ना आपको तो आपकी मशीन हैक हो सकती है। इसलिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये लोग आपको ईजी पासवर्ड चूज़ नहीं करने देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और चीज़ से मिलवाना चाहूँगा जिसका नाम है गिट बैश। अब यहाँ पर ये जो टर्मिनल है पावर शेल का, ये बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आदत है लिनक्स चलाने की, और इनफैक्ट ये मशीन भी आपकी लिनक्स बेस्ड ही है, तो आप विंडोज़ में गिट बैश को इंस्टॉल कर लो। जैसे कि आप अगर गिट डाउनलोड करोगे तो आप लोग गिट को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर देखो, मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसको और इंस्टॉल भी करा था। शायद मैं कोई ट्यूटोरियल बना रहा था तभी मैंने करके आप लोगों को दिखाया था। तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लेना एक बार, और डाउनलोड करके जैसे ही आप इसको खोलोगे, तो मैं इसको यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये जैसे ही आप खोलोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। आप इंस्टॉल करना इसको जानते हो, नेक्स्ट 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 करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है बट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ इसको खोल के नेक्स्ट 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 करना है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है और सीखना है गिट, तो आप लोग जो है मेरा गिट का जो ट्यूटोरियल है वो देख सकते हो। जैसे कि ये मेरा गिट की प्लेलिस्ट है, ये आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोग इसको आराम से ऊपर से देखो कभी और, ठीक है। अभी PHP फोकस कर रहे हो तो एक चीज़ पर आप लोग फोकस कर लो, ठीक है। चलो इसको मैं अभी बंद कर दूंगा और वापस से यहाँ पर आऊँगा, गिट बैश खोलूँगा। तो आप यहाँ पर लिख दो गिट बैश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके गिट बैश लिखूँगा और यहाँ पर देखो गिट बैश ये आ गया है, इस पर क्लिक करूँगा तो आपको एक टर्मिनल टाइप का खुल के मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा टर्मिनल खुल चुका है, और अभी मैं अगर यहाँ पर PWD डालूँ तो चलेगा, लेकिन अगर मैं अपने पावर शेल में PWD डालूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखाता है पाथ विंडोज़ का। और अगर यहाँ पर मैं LS डालूँ तो भी चलेगा वो, लगता है मैंने कहीं गलत जगह पर LS डाल दिया System32 में, तो ये सारी फाइल्स लिस्ट करने लग जा रहा है उसकी। तो ये देखो मेरा गिट खुल गया है, मैं इसको यस करूँगा, और यस करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। कुछ चेंज मत करना, बस नेक्स्ट 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 करते जाना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर रहा हूँ, मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, आप मत करना, आप इंस्टॉल करना, ठीक है। तो ये देखो पावर शेल भी इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ CMD है। CMD था पहले, अब पावर शेल आया, ये लोग भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये इंस्टॉल ना करना पड़े। लेकिन उसके बाद भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको इंस्टॉल करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो गिट बैश का टर्मिनल होता है काफ़ी लिनक्स की तरह होता है, और देखो आपके पाथ्स वगैरह भी एकदम लिनक्स की तरह ही बना देता है। तो मेरे हिसाब से ये अगर आप यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, खासकर जब आप अपनी SSH से मशीन्स मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताता हूँ कि अगर आपको हर बार पासवर्ड डालने से बचना है तो आप क्या करोगे, इसमें आप SSH कॉपी ID लिखो। अब अगर SSH कॉपी ID आप यहाँ पर लिखोगे, मैं ये छोटा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये कमांड जो है ये नहीं फाउंड हुआ और ये वो, तो इस तरह के एरर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें हो इसमें भी जाएंगी, लेकिन मैं अभी पावर शेल के अंदर ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ। मैं पसंद करता हूँ पर्सनली गिट बैश को SSH कॉपी ID, और उसके बाद आप लिखें root@ और आप लोग अपना ये जो मशीन का IPA कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, राइट क्लिक करके पेस्ट या फिर शिफ्ट इंसर्ट, ये शॉर्टकट होता है। एंटर जैसे ही आप मारोगे, ये तो ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, हम एक की डाल रहे हैं मशीन में,
ताकि आपको अगली बार लॉगिन ना करना पड़े। एक आखिरी बार आप ज़रा अपना पासवर्ड बता दो। तो आपको सिर्फ एक बार अपना पासवर्ड बताना है। तो ये कह रहा है कि भाई हमने की डाल दी है, और ये किस तरह एग्जैक्टली काम करता है इस चीज़ को आप छोड़ो, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप अब SSH करोगे इस मशीन में, SSH करोगे तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगी, सीधा अंदर आप एग्जिट करोगे बंद, सीधा SSH करोगे तो बड़े आराम से आप अंदर आ गए मशीन के। तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप 10-20 मशीनें इस्तेमाल भी कर रहे हो तो कौन याद रखेगा उनके पासवर्ड। SSH कॉपी आईडी मार लो हर बार, और अपनी जो मशीनें हैं आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और कैच ये है कि जब आपके पास बहुत सारी मशीनें हो जाएंगी तो आप उनकी IP भी याद नहीं रखना चाहोगे, ठीक है। और ये सारी टेक्निकें जो है मैं आपको, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी हैं सब, जो मैं आप लोग को एक वीडियो में पैक करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना इन बातों को। आप कोई भी मशीन इस तरह से खोल सकते हो और ये आपको काफ़ी कन्वीनियंस दे देगा। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जब आप इस तरह से SSH करोगे बार बार मशीनों में, तो आपको देखना पड़ेगा, IP तो लानी पड़ेगी ना आपको कहीं से देख के, और ये टाइप करना पड़ेगा आपको। अगर आप 20-25 मशीनें यूज़ कर रहे हो तो आप इसको भी कैसे शॉर्ट बनाओगे। तो लिनक्स के अंदर एक एक्सपोर्ट करके यूटिलिटी होती है। अगर मैं लिखूँ एक्सपोर्ट A इज इक्वल टू, और मैं 23 लिख दूँ, और फिर मैं echo डॉलर A करूँ, तो एक तरह से ये वेरिएबल बना दिया मैंने, A इज इक्वल टू 23 असाइन कर दिया इस वेरिएबल में। और जिस तरह PHP में वेरिएबल होता है, उसी तरह यहाँ पर हम लिनक्स में वेरिएबल बना सकते हैं, और ये वेरिएबल मैंने डाल के यहाँ पर डॉलर A कर दिया। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापस से गिट बैश खोलूँ और यहाँ पर echo डॉलर A करूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। ये 23 जो है परसिस्ट नहीं करता, ये एक टर्मिनल में रह जाता है सेव होके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं वापस से echo डॉलर A करूँगा तो ये 23 यहाँ पर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इतना बड़ा कमांड है इसको एक वेरिएबल में सेव कर दूंगा। लेकिन उसको करने की एक परेशानी ये होगी कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्चुअली। इसको मैं कॉपी करूँगा अगर, और मैं इसको कॉपी करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट, और मैं इसका नाम रख दूँगा OM1। OM1 का मतलब ओपन मशीन 1, या OPM1। OPM1 मतलब ओपन मशीन 1, ठीक है। और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा शिफ्ट इंसर्ट से, और यहाँ पर मैं क्या कर दिया, मैंने आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पता नहीं मैंने क्या दबा दिया, लगता है मैंने इंसर्ट दबा दिया था अपने कीबोर्ड पे। कोई बात नहीं, वापस से टाइप करेंगे हम लोग एक्सपोर्ट OPM1 इज इक्वल टू, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, और अब एंटर में मारूँगा तो देखो मैं echo OPM1 करूँगा तो यहाँ पर डॉलर भी लगाना है, सॉरी डॉलर, क्योंकि मैं वेरिएबल को रेफ़र करना चाहता हूँ, तो ये SSH ही आएगा। अब मैं अगर सिर्फ डॉलर OPM1 लिखूँगा तो मेरी मशीन खुल जाएगी सीधे। तो यहाँ पर देखो कितने आराम से मैंने एक मशीन खोली, डॉलर OPM1 लिख के मैंने मशीन खोल ली। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक दूसरा गिट बैश यहाँ पर खोलूँगा, तब प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा डॉलर OPM1, तो यहाँ पर ये इसको पहचानेगा नहीं और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ इस टर्मिनल में सेव हुआ है। तो ग्लोबली अपने वेरिएबल्स को किस तरह सेव करें, अगर मैं ये काम ग्लोबली कर पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि एक फ़ाइल होती है जो कि आप विम की मदद से खोल सकते हो। विम एक टेक्स्ट एडिटर है, और विम के बाद आप डॉट बैश प्रोफाइल लिखोगे तो क्या होगा, एंटर मारोगे जब ये लिख कर, तब क्या होगा कि आपकी ये फ़ाइल खुलेगी जिसमें आपके ये कुछ इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, देखो आप लोग, कि मैं अभी यहाँ पर :WQ दबाऊंगा। देखो मैंने दबाया कोलन, पहले एस्केप दबाया, फिर :WQ दबाया, एंटर मार के मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगा, अपना ये जो मैंने SSH चलाया था अभी, ये एक्सपोर्ट वाला, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। राइट क्लिक कॉपी। ये चीज़ शायद आपको ट्रिकी लगे थोड़ी सी, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल आसान लगेगी। अब मैं बैश प्रोफाइल को खोलूँगा और यहाँ पर आई दबाऊँगा। अगर आप विम नहीं जानते हो विम कैसे काम करता है, तो आई दबाओ कीबोर्ड में, आई दबाओगे जैसे यहाँ पर इंसर्ट क्लिक करा जाएगा, एंटर मारो। और एंटर मारने के बाद क्या करो आप लोग, कि यहाँ पर या कहीं पर भी इस फाइल में, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इसके बाद लिखना चाहूँ तो शिफ्ट इंसर्ट करके इसको पेस्ट कर दो। तो क्या होगा, जब भी आप टर्मिनल चलाओगे तो ये लाइनें रन हो जाएंगी सारी। तो ये वो फाइल होती है जो कि रन होती है टर्मिनल जैसे ही खुलता है तब। अब आप दबाओ, देखो यहाँ इंसर्ट लिख कर आ रहा है, एस्केप दबाओ कीबोर्ड पर, फिर कोलन दबाओ, फिर W दबाओ, देखो जो जो दबा रहा हूँ लिख कर आ रहा है, फिर Q दबाओ, फिर एंटर मारो। अगर आप एक बिगिनर हो तो विम यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मैं मानता हूँ, बट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे मैं एक नया गिट बैश खोलूँगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा OPM1, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ OPM1, एंटर मारा, ये देखो मेरी मशीन खुल गई।
तो आप समझ रहे हो इस बात को कि मैंने क्या किया यहाँ पर। मैंने अपनी मशीन बनाकर एक्सपोर्ट करके ये सेव कर दिया। पहले तो SSH कॉपी आईडी किया। मैं इस टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ और मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ मशीन में से, और अब इसको बंद कर देता हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पर क्या किया, SSH कॉपी आईडी किया। SSH कॉपी आईडी करने के बाद मैंने क्या किया कि एक बार पासवर्ड मुझे डालना पड़ा। अब जब भी मैं SSH करूँगा तो क्या होगा कि मैं मशीन के अंदर घुस जाऊँगा। ये मेरा काम किया SSH कॉपी आईडी ने। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मशीन के अंदर घुसने के लिए एक वेरिएबल बना लिया OPM1, और उसके बाद SSH रूट एट द रेट ऑफ, ये मैंने ऐसे किया। अब जैसे मेरी मेरी मशीन में, यानी कि मेरे इस कंप्यूटर में मैंने बना रखे हैं OM1 OM2 करके। OM1 करूँगा तो एक मशीन खुलेगी। देखो यहाँ पर देखो ये बता रहा है क्या मशीन है ये। एग्जिट कर दूंगा और ये मशीन में बना के डिलीट करता रहता हूँ, काम करके डिलीट कर देता हूँ। OM2 करूँगा तो ये देखो यहाँ पर दूसरी मशीन खुल गई, मशीन 2 नाम से जो बनाई है मैंने। एग्जिट कर दूंगा तो मैं बड़े आराम से मशीनें खोल बंद कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं खोल रहा हूँ, SSH लिख के कॉपी कर रहा हूँ उसका IP एड्रेस, फिर एंटर मार के पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो गलत हो गया एक बार, फिर डाल रहा हूँ, फिर घुस रहा हूँ, फिर आलस कर रहा हूँ कि यार अगर मैंने गलती से भी इस मशीन को वो कर दिया एग्जिट तो बड़ा मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि वापस से पासवर्ड डालने पड़ेंगे, तो वो टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो ये था मैनेज करना अपनी वर्चुअल मशीन्स को। अपनी वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखेंगे अदरवाइज। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख के नोट्स ले लेते हो तो राइट अवे आप लोग अपनी ये जो बैश प्रोफाइल वाली फाइल है उसको एडिट करके कर सकते हो। अब लिनक्स में अगर आप लोग ऑलरेडी हो तो आपको मिलती है बैश आर सी करके एक फाइल मिलती है, ठीक है? तो आप इस फाइल को ढूंढ सकते हो। विंडोज़ में बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल है, और आई थिंक मैक में भी ये बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल है। तो आप सिर्फ बैश प्रोफाइल अगर आप इंटरनेट पे जाओगे और यहाँ पर लिखोगे वेयर इज़ बैश प्रोफाइल इन मैक, तो ये बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल फाइल होती है। तो ये बता देगा कौन सी फाइल होती है जो कि बैश की स्टार्टअप फाइल होती है। इसको बैश स्टार्टअप फाइल बोलते हैं। गिट बैश आपको इंस्टॉल करना पड़ा क्योंकि हम थोड़ा लिनक्स टाइप का जो अपना इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना चाहते थे। अब ये सब चीज़ें शायद PHP के स्पेसिफिक ना हो लेकिन बहुत काम आएंगी आप लोगों को। अगर आप PHP वेबसाइट बना के खड़ी करना चाहते हो तो आप इन सब चीज़ों से नहीं बच सकते। हाँ मुझे पता है कि आप लोग वाली होस्टिंग खरीद लोगे, गो डैडी होस्टिंगर और ये वो, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आप लोगों को वो जो क्विकली आप पैसे देख के होस्टिंग कर लेते हो शेयर्ड वाली। उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्केल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं इसी ड्रॉपलेट को रिसाइज कर सकता हूँ। अगर इस वेबसाइट पर मान लो 10 गुना यूज़र आने लग गए तो मैं पता है क्या करूँगा, इस टेस्ट मशीन में यहाँ पर जाऊँगा, रिसाइज ड्रॉपलेट में जाऊँगा और इसमें क्या करूँगा, CPU और RAM ऐड कर लूँगा, CPU एंड RAM ओनली। और ये CPU और RAM मैं कौन सी ऐड करूँगा अपने हिसाब से कर लूँगा ऐड, मैं ये कर लूँगा ऐड अगर ज़्यादा यूज़र आ गए तो। और 1 मिनट लगेगा रिसाइजिंग और हो जाती है, ठीक है? बहुत आराम से हो जाती है, करी हुई है मैंने। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो। $15 पर मंथ में आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी ड्रॉपलेट को। अगर आपके पास बहुत यूज़र्स आ गए, मान लो ऐसा कुछ हो गया और आप लोग ये चुनना चाहते हो, तो देखो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं साइजेस, क्योंकि कहीं यहाँ पर ये ना बोलो कि यार मैं मतलब गलती से कर बैठा, सॉरी। मतलब देख रहे हो कितनी पावरफुल मशीन है, 96 GB RAM, 96 GB RAM और 20 CPU। मतलब समझ रहे हो आप कितनी कंप्यूटर है। और फिर यहाँ पर देखो 32 CPU और 192 GB RAM, ओ माई गॉड। और ये कितने की पड़ रही है आपको, $1,000 पर मंथ की, यानी करीब 70-75 हज़ार रुपये महीना आपको देना पड़ेगा इस मशीन का। तो भाई मैं तो अपनी ये जो 300 रुपये वाली मशीन है इसी में करता हूँ काम, इससे बड़ी मैं बनाता भी नहीं हूँ। और एक आध बार मैंने बनाई हुई है हाँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, बट मोस्टली मेरा इसमें काम हो जाता है। मैं इस तरह की 10-15 स्पिन अप कर लेता हूँ, मुझे अलग अलग IP मिल जाते हैं और मैं उनसे काम करता हूँ अपने, ठीक है? जो भी करना है मुझे, जो भी फ्रीलांसिंग का काम हो, पर्सनल कुछ काम हो, कुछ मुझे अपने एनालिसिस करने हैं, जो भी है मैं इससे ही करता हूँ, $5 वाली से, ठीक है? तो ये कुछ टेक्निकें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। हमने देखा कि गिट बैश पे रखे हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि मल्टीपल मशीन्स किस तरह से हम लोग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये चीज़ आप लोगों को ना जमे, आप कहोगे यार मैं वही कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ जब आप एक से ज़्यादा मशीनें बनाओगे तब आपको कन्वीनियंस पता चलेगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीखने का लोग आलस करते हैं, लेकिन एक बार आपको आ गई ना तो आप पड़ोसी के घर पे भी जाके बोलोगे कि तुम भी SSH कॉपी आईडी कर लो। अभी क्या होता है ना, जब कोई बंदा पासवर्ड डालता है वो मुझे दिख जाता है ना कहीं पर, तो मेरे हाथ में चुल आ जाती है, मैं उसका कीबोर्ड छीन लेता हूँ। मैं कहता हूँ 1 मिनट रुक, तो आखिरी बार पासवर्ड डाले SSH कॉपी आईडी, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूट एट द रेट ऑफ, मैं कहता हूँ तू अपनी IP डाल यहाँ पे और एंटर मार के आखिरी बार पासवर्ड डाल ले। तू आखिरी बार डालेगा पासवर्ड, बस वो पहली और आखिरी बार।
उसके बाद डायरेक्टली वो क्या करेगा, SSH करेगा तो सीधे वो मशीन के अंदर होगा, पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा उससे। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप लॉग इन कर लोगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके लिए होगा वो, सिर्फ आपके लिए लॉग इन अलाउड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं SSH की डिप्लॉय करना, आई होप कि समझ गए होगे आप लोग। और अगर आप लोगों ने PHP की सीरीज़ एक्सेस नहीं करी है अभी तक, तो काइंडली आप लोग कर लो इसको एक्सेस, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है लाने वाला हूँ अभी, और आप लोगों के लिए आपकी जो डिप्लॉयमेंट है PHP का, डेवलपमेंट है, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने हो, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान करने वाला हूँ। तो एक्सेस कर लो उस प्लेलिस्ट को, और एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर चाहते हो मैं इस तरह के और कोर्सेज बनाऊँ, तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस करके और शेयर भी कर दो। एक्सेस तो आप कर लोगे, आप सीख भी जाओगे, अच्छी बात है, बट प्लीज़ अगर आप लोग उसको शेयर करोगे तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग इसको शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, आप लोग इसको कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो आप लोग डाल सकते हो अपने कंपनी के ग्रुप में, जहाँ पर भी आप काम करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी ग्रुप है आपका, वहाँ डाल सकते हो और लोगों तक पहुँचा सकते हो मेरी जो ये वीडियोज़ हैं उनको। सो आई होप कि आप लोग ऐसा करोगे ज़रूर, और इस वीडियो को आप लाइक तो देते ही जा रहे होगे। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर वाली वीडियोस में ज़्यादा लाइक है, नीचे वाली वीडियोस में थोड़े लाइक्स कम हो गए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ नीचे वाली वीडियोस में भी प्लीज़ मुझे लाइक दे दो। अभी के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।